अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों काफ़ी सारे भाई कहे थे कि आप फिंच के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे, ऑस्ट्रेलियन के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे, सिर्फ मुर्गियों पर बना रहे हैं। तो आज जो वीडियो होगी वो बेसिकली फिंच के ऊपर ही होगी। फिंच की आज आप लोगों को दोस्तों अपडेट देनी है कि क्या हमारी कॉलोनी में चल रही है, क्योंकि काफ़ी देर हो गया हम लोगों ने उस कॉलोनी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। क्या उसकी प्रोग्रेस चल रही है, क्या उसका सीन है? तो अभी दोस्तों हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं फिंच की प्रोग्रेस। और अभी सेटअप में चलते हैं, अभी सुबह सुबह मैं आया हूँ छत के ऊपर और क्या हालात चल रहे हैं तो आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ। तो आज रात को दोस्तों काफ़ी गर्मी थी जिसकी वजह से मैंने इनको कवर नहीं किया, इसी तरह थे मुर्गियाँ भी इधर ही थी। और यह है कि बल्ब वगैरह रात को बंद कर दिया था, बस फिंच को मैंने बंद किया था कि आपको पता ही है कि वो फिंच ज़रा से भी कोई टेम्परेचर का इधर उधर हो तो ये इनके चांसेस हो जाते हैं मरने के। तो अभी फिंच की कॉलोनी के अंदर मैं जाता हूँ और आप लोगों को प्रॉपर अपडेट देता हूँ कि क्या उसके अंदर अपडेट हुई है। और उसके बाद हम लोगों ने ये अपने चिकन्स को दोस्तों बाहर निकालना है, और क्योंकि ये कल भी इधर ही रही हैं, कल मैंने इनको नहीं खोला, सुबह के टाइम थोड़ा सा खोला था, उसके बाद नहीं खोला, शाम को नहीं खोला। तो अभी इनको बाहर निकालना है और फिर दोस्तों आप लोगों को भी दिखाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ कॉलोनी के अंदर और आप लोग देखें तो यहाँ पर लाइन से मटकियाँ लगी हुई हैं। और एक आप लोगों को मैं चीज़ दिखाऊँ दोस्तों, ये देखें, ये इन्होंने इसके ऊपर भी नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग इन्होंने की थी तो मैंने ला कर ये नीचे आप लोग देखें तो नेस्टिंग फेंक दी थी। तो अब इन्होंने दोस्तों यहाँ पर पूरा ये भर दिया अपना। तो अभी इसको ये देखें तो माशाल्लाह से दोस्तों देखते हैं कि इसके अंदर कोई प्रोग्रेस भी आई है नहीं, या अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं। क्योंकि जब मैंने इनको नेस्टिंग दी थी तब तकरीबन इन्होंने 4 से 5 दिन के ही रखे थे, तो मैंने नेस्टिंग डाल दी, मैं कहा शायद इन्होंने यहाँ पर नेस्ट बनाना है। तो आज मैं तकरीबन दोस्तों देख रहा हूँ अंदर तो नेस्ट बना हुआ है। तो बाकी दोस्तों मैं भी इनकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देता, मुझे भी किसी भाई ने कहा था कि आप फिंच को अपने उनके हाल पर छोड़ दें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करेंगी। तो अभी फ़िलहाल लास्ट जो फर्स्ट हमारे क्लच के 6 बच्चे थे वो भी इसी के अंदर ही हैं और वो अब तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये मटकी के ऊपर जितने भी बैठे हैं ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। और ये जो आपको ये 2 नज़र आ रहे हैं ये उड़ के चला गया एक और एक ये, तो ये दोस्तों मेल हैं, बाकी और भी फीमेल्स भी होंगी इसके अंदर, 2 तो मुझे मेल नज़र आ गए हैं। और अब दोस्तों ये रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है, इन्होंने तकरीबन 15 से 20 दिन बाद इन्होंने भी अंडे के ऊपर आ जाना और ये भी पेयरिंग करके अंडे बच्चे देने स्टार्ट कर देंगे। तो अभी चलते हैं आगे और आप लोगों को यहाँ से मटकी से लेकर सारी प्रोग्रेस दिखा देते हैं। ये 4 मटकियाँ ये और 3 मटकियाँ ये, टोटल 7 मटकियाँ लगी हुई हैं। तो अब चलते हैं जी आगे। और अभी दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक हीटिंग बल्ब जो सा है ये यहाँ पर लगा हुआ है हीटिंग बल्ब। अब वैसे इनका टाइम तो रहा नहीं क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया, अब इनको वैसे एनर्जी सेवर लगाना पड़ेगा, तो वो मैं किसी दिन ला के लगा दूँगा। और एक हमारा बाहर जो चिकन्स के केज के अंदर भी पड़ा लगा हुआ है बल्ब, वो भी हम लोगों ने उतारना है और उसके बजाय भी कोई एनर्जी सेवर लगाना है। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये मटकी चेक करवाता हूँ मैं। ये देखें दोस्तों एक बच्चा, ये ब्लैक ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये दोस्तों नया नया कोई बच्चा निकला, अभी उड़ भी नहीं पा रहा। तो अभी माशाल्लाह से ये सेकेंड क्लच के बच्चे होंगे जो कि अब आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों 2 बच्चे इस टाइम इसके अंदर नज़र आ रहे हैं मुझे। और ये वाले मटकी में दोस्तों 2 बच्चे आ गए फर्स्ट मटकी में ही, माशाल्लाह 2 बच्चे। और उसके बाद चलते हैं जी इस मटकी की तरफ। मटकियां हमारे पास 7 हैं और ऊपर एक नेस्ट डाल के 8 टोटल नेस्ट बने हुए हैं हमारे पास। तो अभी इसकी चेक करते हैं दोस्तों मटकी। फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं, लास्ट टाइम आपने देखा था इसके अंदर तकरीबन 8 से 9 अंडे थे जो कि सारे ख़राब हो गए थे। वो 2 फीमेल्स ने एक साथ दिए थे और वो है कि दोनों फीमेल्स ने उसके ऊपर बैठना छोड़ दिया, लड़ाई हो गई थी उनकी कि एक कह रही थी मेरी है, एक कह रही मेरी है, तो वो दोनों ही वहाँ से उठ गई थी। अब इससे ऊपर दोस्तों ये एक जो नया नेस्ट बना है इसको देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। माशाल्लाह से दोस्तों 1 अंडा इसके अंदर भी आ गया और ये भी बहुत खुशी की खबर है मेरे लिए, क्योंकि ये एक नेस्ट वैसे ही बना है और इसके अंदर 1 अंडा आ भी गया। इसके अंदर दोस्तों जो मेल जाता है ना वो ये वाला, ये जो आपको नीचे क्रस्ट के 2 मेल नज़र आ, ये जो मेल है ना ये वाला, ये जो क्रस्ट का आपको नज़र आ रहा है ब्लैक चेस्ट के अंदर,
ये और ये, इन दोनों में से किसी एक का दोस्तों ये नेस्ट है और ये दोनों ही जाते हैं इसके अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं जी इस तरफ। ये वाला दोस्तों खाली है, ये भी खाली है दोस्तों। ये चारों दोस्तों इस टाइम खाली हैं, और क्योंकि इनमें से भी ये जो ये वाला फर्स्ट वाला इसके अंदर चिक्स थे जो कि बाहर आ चुके हैं एक बच्चा, तो वो नीचे मैंने आपको दिखाया है, ये बैठा हुआ एक बच्चा, और बाकी मेरा ख्याल है इसका एक या दो ही बच्चा था, वो भी इधर ही कहीं होगा उल्टा। और अब दोस्तों वो लास्ट वाली एक मटकी रह गई, उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों दो बच्चे हैं, और अंडे मेरा ख्याल है ख़राब हो चुके हैं या नए अंडे हैं, एक अंडा नया लग रहा है, बाकी दो अंडे इस तरह लग रहा है ख़राब हो चुके हैं। और माशाल्लाह से दोस्तों दोनों ही बच्चे बहुत ही प्यारे, दो बच्चे ये और एक बच्चा, और तीन बच्चे निकले हैं इस दफ़ा जो कि हमारा सेकेंड क्लच है, और एक बच्चा कल एक्सपायर हो गया था जो कि मैंने निकाल दिया था। और ये नेस्टिंग दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, इस तरह की नेस्टिंग आपने इस तरह बिछा देनी है खोल के, ताकि ये जो है वो आराम से नेस्टिंग उठा लें, और इस तरह ये ले जाएंगे। अभी तो ये थोड़ा सा दोस्तों इन्होंने नेस्ट बनाया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद ये इसको और अपग्रेड करेंगे और बनाते जाएंगे। ये जो मटकियाँ दोस्तों इसके पहले मैंने ढक्कन इस तरह रखे होते थे जिस तरह आप लोग ये देखें उल्टे करके, तो अब मैंने उस तरह सीधे कर दिए क्योंकि हो सकता है इनके ऊपर भी वो नेस्ट इस तरह ही बनाना स्टार्ट कर दें, तो जिधर दोस्तों इनको सेफ लगेगा उधर ही ये नेस्ट बनाएंगे और वो ही इनके लिए बेस्ट है। तो अभी दोस्तों चलते हैं जी कॉलोनी से बाहर और अपनी जो चिकन्स हैं उसको ज़रा खोलते हैं बाहर और आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों ये तो बाहर आ चुके हैं और अब इनको डालना है पानी, तो मैं पानी भी लेकर आता हूँ। तो पानी आ गया दोस्तों, अब ये पानी पियेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इनको वापस अंदर लेकर जाएंगे और थोड़ी सी वॉक ही करवानी थी, अभी तो टाइम नहीं है, शाम के टाइम इंशाल्लाह इनको घंटा डेढ़ बाहर खोलेंगे ताकि ये अपनी मस्ती कर लें, और अभी पानी पीने दें इनको, इसके बाद इनको दाना डालते हैं। तो दोस्तों हमारे छत के ऊपर बिल्लियाँ घूमती रहती हैं, अब आप लोग वो देखें तो वो बिल्ली देखें, ये देखें दाल गा रही है, इस तरह लग रहा है कि इसको इस तरह लग रहा है कि हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन वो देखें गमलों के पीछे छुप के देख रही है। तो इसी तरह दोस्तों एक दो तीन और भी बिल्लियाँ हैं, तो वो आती रहती हैं हमारे ये पीछे हमसाया हैं, इन्होंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं इधर साइडों पे दोस्तों, इन्होंने बिल्लियाँ रखी हैं, कुछ इधर से बिल्लियाँ आ जाती हैं। तो ये देखें अभी इसको इस तरह लग रहा है कि हमें नहीं पता, तो लेकिन इसको ये देखें ये भी छोटा बच्चा ही है, लेकिन ये है कि इससे भी हमें डर रहा है। तो इसको ये देखें वो देखें किस तरह आ रही है, किस तरह वो देखें गमलों में चढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही है, फुल जिस तरह वो नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर आते थे ना वो शेर आता है, तो ये देखें किस तरह आराम आराम से आराम आराम से। तो लाइव शिकार आपको दिखाने जा रहे हैं, तो आज इस तरह होगा कि जो शिकारी है उसका ही शिकार हो जाएगा, तो आने दें इसको आने दें। तो ये देखें दोस्तों ये बैठा हुआ है अंदर, तो हम लोगों ने इसको भगाना है, तो मैं इसको भगा कर आता हूँ। तो दोस्तों बिल्ला तो मैंने भगा दिया, इसी तरह आप इसको दो तीन दफ़ा और भगाएंगे तो फिर ही आए ये भागेगा। अभी देखें हमारे सामने होते हुए वो शिकार करने के ऊपर आ रहा है, इनको पकड़ने आ रहा है,
तो इसीलिए मैं इनको बाहर नहीं छोड़ता, क्योंकि अभी ये है भी छोटे और इनका पता भी नहीं लगना, इनको बिलियन इससे उठा लेना। क्योंकि आप लोग भी कहते हो कि भाई आप तो छत पे छोड़ते भी नहीं हैं, छोड़ने की वजह ना छोड़ने की वजह यही है कि इसी तरह बिल्लियाँ आती हैं और हमें भी डर रहता है कि हमारे जो है वो बर्ड्स को नुकसान ना पहुँचा दें। दरवाज़ा भी मैं इसलिए बंद रखता हूँ कि बिल्लियाँ कहीं अंदर ना चले जाएँ और उनको नुकसान ना पहुँचा दें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे छत का। तो अभी चलते हैं जी, इनको अंदर लेकर केज में डालते हैं, दाना वगैरह डालते हैं, और मैं चलता हूँ जी जॉब के ऊपर। तो अभी इनको मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, अंदर लेकर जाता हूँ। ये तो अंदर आ गई है, पानी शायद इनका आई थिंक बाहर पड़ा हुआ है। यस, तो पानी भी इनका ले लेते हैं और उसके बाद ये है कि दाना वगैरह इनको डालते हैं। तो ये दोस्तों दोनों साइड के ऊपर दाना मैं इस तरह डाल देता हूँ, और ये है कि दोनों साइड से खा लेते हैं। और बाकी दोस्तों यही है हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों लाजमी प्रेस कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम का पेज आ रहा है, फेसबुक का पेज आ रहा है, उसको लाजमी लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो मैं मिलूँगा आपके साथ कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।